मेरा यहाँ से यात्रा शुरू हो गया, अभी गुसाई गाँव से लगभग 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मैं जहाँ पे जा रहा हूँ बस। और वेदर भी सुबह से डैम डैम मर रहा है, इसलिए निकला भी नहीं था, अभी बहुत लेट करके निकल रहा हूँ मैं। अभी करीब अभी 3 बजने वाला है और यह चारली का चारली पॉइंट जो हो रहा है अभी, यहाँ पे क्लॉक टावर लगाने का बात है, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले ना मैं एक बार ऑयल डाल लेता हूँ, ये ऑयल सिर्फ 2 घाट दिखा रहा है ऑयल, यहाँ से डालना पड़ेगा मुझे पेट्रोल। पेट्रोल डालने के बाद यहाँ से निकलते हैं, 500 का डाल दो। यहाँ से मैंने तेल डाल लिया, अभी एकदम सत्तावर होके डिंग डिंग आके मैं निकलूँगा। अभी रेल लाइन क्रॉस कर रहा हूँ और सत्तापुर का मेला भी हो रहा है, इसीलिए पब्लिक का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है इस रास्ते से। सत्तापुर का मेला शायद कल लास्ट है। हल्का हल्का ठंड भी लग रहा है क्योंकि वेदर डैम होने के कारण हल्का हल्का ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह से बारिश बारिश का नज़ारा था, तो बारिश तो हुआ नहीं लेकिन ठंड ठंड अभी लग रहा है हल्का। मेरा जो बाइक की स्पीड है काफ़ी रहेगा क्योंकि टाइम का बहुत कमी है, 3 बजे निकलना, मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा 4:30 बजने वाला है, तो इसलिए टाइम भी मेकअप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा कहीं पे नहीं रुकूँगा। दोस्तों मैंने जो बोला था जो सत्तापुर पहुँचने से पहले जो नज़ारा है, मंदिर पहुँचने से पहले उसका जो नज़ारा है जैसा है, चारों तरफ साल का बगाने दिखाई देगा। और यहाँ पे जो मेला हो रहा है उसी का ये नज़ारा सामने, क्योंकि अलग जारी का मेला या 2 से 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है और इसका जो डेट है मैं लास्ट में बोल दूँगा। और ये है सत्तापुर का मार्केट, छोटा सा मार्केट है, गोसा गोसा 6 से 7 किलोमीटर दूर में है ये मार्केट, और यहाँ से अभी जाएगा डिंग डिंगा। तो यहाँ से थोड़ा टूटा हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है, अभी कितना दूर है ये तो शायद डिंग डिंगा का आगे तक होना चाहिए, इसलिए थोड़ा लेट चल रहा है, तो काफ़ी देरी भी हो रहा है, गाड़ी का स्पीड भी बहुत कम चला रहा हूँ, 25-30 से ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो 80-90 भागना था। तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब होने के बाद अभी जो रास्ता मिल रहा है, मतलब अभी अच्छा रास्ता है, अभी टूटा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी रास्ता बढ़िया है शॉर्टकट पहुंचने के लिए। अच्छा रास्ता बात बोलते बोलते ही टूटा रास्ता आ गया भाई, साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। और दोस्तों असम का जो सुंदरता है वो हो गया चाय का बागान, यहाँ से डिंगडिंगा पहुँचते पहुँचते ऐसा कोई चाय बागान आपको मिलेगा दोनों साइड से, आपको बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों साइड से मिल जाएगा चाय का बागान, और इसके बीच से आपको डिंगडिंगा क्रॉस करना पड़ेगा। फैक्ट्री अगर जाना है तो इधर इधर से जा सकता है, मेरे ख्याल से सुबह इधर बारिश हुआ था, बारिश होने की वजह से ये रास्ता में पानी पानी ही दिखाई दे रहा है, हम लोग उधर तो बारिश हुआ नहीं था सुबह। तो सब प्यारा प्यारा चाय बागान के बीच से आके हम लोग डिंगडिंगा मार्केट पहुँच गए, ये है डिंगडिंगा मार्केट, और यहाँ से कुछ खाने का सामान ले लेंगे। बस थोड़ा डिंगडिंगा में रुका हुआ और अभी ऊपर ना थोड़ा पानी लाने के लिए भेजता है वहाँ पे शॉप में, बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। डिंगडिंगा का जो ग्रामपुर पुलिस स्टेशन वो क्रॉस करने के बाद आपको बाई तरफ जाना पड़ेगा आलोक झड़ी, यहाँ से और लगभग 17 से 18 किलोमीटर होगा इस रास्ते से, और रास्ता का कंडीशन थोड़ा ख़राब ही मिलेगा, और आप अगर फ़ोटो उठना चाहते हैं तो इधर से जाके एक स्लुइस गेट भी मिलता है, उस तरफ से एक स्लुइस गेट भी है जहाँ पे आप आके फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। ये तो मेरा समय बर्बाद करेगा ये गड्ढे सब, बस हमारे असम में चाय बागान की कमी नहीं है ना, ये देखिए बाई तरफ चाय बागान और दाई तरफ भी चाय बागान देखने को मिलेगा, और चाय बागान के बीच से आपको जाना पड़ेगा ऐसे करके, ये रास्ता जो जाता है ये पूरा धुबरी भी तक जाता है ये रास्ता, लेकिन इस रास्ता का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, 17-18-21 उसके ऊपर जा नहीं पा रहा मैं, थोड़ा खींच के जाने का, लेकिन थोड़े दूर बाद बाद ये पानी का गड्ढा दिखाई दे रहा है ना।
अभी जो रास्ता मिल रहा है बहुत ही सुंदर रास्ता है, लेकिन जाने वाला रास्ता कौन सा था, अलग घर जाने वाला यहाँ से कहीं था लेकिन मैं भूल गया। घर मंदिर तक ये रास्ता दिखा रहा है। अच्छा यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद टर्निंग मिलेगा। ये क्या जगह है, मौलन डूबी है क्या? ये मौलन डूबी होके जाना पड़ेगा मंदिर तक। ये मौलन डूबी का रास्ता है। पूरा भरोसा नहीं है एकदम, कि उस दिन भी ऐसा हुआ ना, कुछ बार से आ रहा था वहाँ कहाँ घुसा दिया, उसके बाद गाड़ी जा नहीं पा रहा था। खैर अभी तो बाइक है जा रहा है। हाँ रास्ता तो दिखाई दिया, एक ब्रिज दिखाई दिया। अलग जरिए जाना है दी, अलग जरिए जाए। हाँ ठीक है सर। हाँ अब तो सही लग रहा है क्योंकि अभी ये अलग जरिए जाता है बोला है। बम्बू का ब्रिज है भाई, संभाल के चलाना पड़ता है। टका तो लगभग और दिखा का कोई टका 20 टका ना, एक बार दुई बार ना तो है 10 टका है तो। लास्ट ईयर जो रास्ता से आया था वो अलग था और ये वाला अलग है, तो इसलिए मुझे भी उतना मालूम नहीं है, बस गूगल के भरोसे से जा रहा हूँ। यार मैंने रूट ना गलत पकड़ लिया था, वो आगे टर्निंग मार लिया था, इसलिए मैं तमहाड़ वाला जो रास्ता है उसी पे उड़ गया अभी। चलो कोई बात नहीं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से सामने से घुसेगा और वहाँ से पीछे से घुसता, डिफरेंस इतना ही है। बाई तरफ से वाला रास्ता है जो इसी से जाना पड़ेगा, श्री श्री महामया लग्जारी धाम। आना था पीछे से, आ गया सामने से। बस काफ़ी भीड़ दिखा रहा है भाई, मेला लग गया क्या मुझे भी पता नहीं यार। चलो देखते हैं, अरे मेला ना स्टार्ट हो गया रे। हाँ ओप्रो फिर से बम्बू का ब्रिज जाना पड़ेगा, ये सामने से जाने से कुछ ऐसे ही मिलता है। मैंने सोचा नहीं था कि मेला स्टार्ट होने वाला है, मैं सोचा स्टार्ट होगा तो यहाँ तो स्टार्ट हो ही गया भाई। म्यूजिक अभी कितना दिन बाद रनिंग चल रहा है मेला का वो खबर लेंगे एक बार, और लास्ट कब है वो वाला खबर लेंगे। मैं सोचा था पूरा खाली खाली मिलेगा, ये तो पूरा भीड़ भीड़ दिखाई दे रहा भाई। बाइक भी घुसने नहीं देगा इधर से मेला के बीच से, देखता हूँ बाइक जाने देगा कि नहीं देगा। हाँ हमारा मंदिर ड्रोन शॉट नहीं पड़ा, हाँ मंदिर हाँ ऐसा दे एक बार दे पा रहे। हाँ तो दोस्तों मेरा बाइक अलाउ कर दिया जाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था ड्रोन शॉट लूँगा तो इसलिए परमिशन दे दिया, तो हम लोग जाएंगे एकदम सीधा, उसके बाद रिटर्न होके ड्रोन शॉट लेंगे एक बार मेला का। अभी मेला लगा हुआ है, यहाँ का जो नज़ारा है उसका एक बार ड्रोन शॉट लेता हूँ, उसके बाद हम लोग मंदिर में चलते हैं। और दोस्तों ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये मेला का एरिया, और शाम के टाइम में आदमी मेला में काफ़ी भरपूर है, और ये पीछे का नज़ारा है, और यहाँ से भी आप दोस्तों जा सकते हैं मंदिर तक। ये जो पहाड़, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है पहाड़ से, इसके बीच से आप मंदिर तक जा सकते हैं। दोस्तों मेला का जो ड्रोन शॉट था वो मैंने ले लिया, अभी सीधा जाएंगे मंदिर, और मंदिर दर्शन करने के बाद थोड़ा सा ड्रोन शॉट वहाँ पर भी लेंगे। चलिए एक बार ठाकुर सब हैं, बाय बाय जाओ। इस पहाड़ के उस साइड में है मंदिर, फोन में जो पहाड़ का नज़ारा दिखा था ना, वो पहाड़ के बीच से भी आप आके मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर गाड़ी है तो साइड से आ सकते हैं, लेकिन सबको आने नहीं देते हैं गाड़ी से। बड़े बड़े शिला है, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरफ। गेट तो इस बार छोटा बनाया, लास्ट ईयर बहुत बड़ा बनाया था,
अलगजरी महामाया धाम 400 मीटर यहाँ से, अकम सर गवर्नमेंट 400 मीटर आदरोलिंग। तो ये है मेन गेट अलगजरी का। इतना उठना, तो बाइक मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा अभी। तो ठीक है, एक बार बाइक इधर रख के पैदल जाना पड़ेगा। तो सब बाइक को यहाँ पे रख दिया और यहाँ से थोड़ा प्रसाद लेके मंदिर उस तरफ है, वहाँ चलते हैं थोड़ा मंदिर दर्शन कर लेते हैं। तो ऊपर और मैंने प्रसाद ले लिया माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद, और यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा करीब 100 मीटर जैसा होगा। वो जो दिखाई दे रहा है येलो कलर का वही है मंदिर, पहले यहाँ तक दुकान लगता था, अभी दुकान दिखाई नहीं दे रहा है। और मेला करीब 4 दिन हो चुका है स्टार्ट होने का, और जो ख़त्म होगा नेक्स्ट संडे को ख़त्म होने वाला है मेला। मंदिर करीब 5 बजे क्लोज होता है, तो उसके पहले जितना भी मतलब दर्शक है मंदिर का भक्त है वो सब पूजा दे के यहाँ से निकलेगा। तो आइए फटाफट हम लोग भी मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ का जो नज़ारा देखने को मिलता है, देखिए पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर। तो मैंने यहाँ पे पैर धुलाई कर लिया, अभी ऊपर पैर धुलाई करा, उसके बाद हम लोग मंदिर के दर्शन करें। और यही है मेन मंदिर यहाँ का। मंदिर में दोनों हम लोगों ने पूजा कर ली, अभी जो ड्रोन शॉट है वो एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, एक बार नज़र इसका। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये हिस्टोरिकल मंदिर है, करीब 500 साल पहले गरीपुर राजा के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, और उसके बाद से ये कंटिन्यू पूजा किया जा रहा है नलबारी पंडित के द्वारा। और ये 365 दिन में सिर्फ 3 दिन छोड़ के ये पूरा हर दिन पूजा होता है यहाँ पे, आप आके दर्शन कर सकते हैं मंदिर का। और दोस्तों मैंने ड्रोन के मदद से जो आपको रास्ता दिखाया था, मतलब पहाड़ के बीच से आप जाके मंदिर दर्शन कर सकते हैं, वो ये वाला रास्ता है। आप वहाँ पहाड़ के बीच बीच से आके मंदिर का दर्शन करके यहाँ से भी पैदल रिटर्न हो सकते हैं। अभी से जितना भी ये पीछे दिखाई दे रहा सब फैन बन गया है यूट्यूब में, तो थैंक यू सबको। तो दोस्तों यहाँ का मंदिर दर्शन और ड्रोन शॉट जो था वो मैंने ले लिया, और यहाँ से अभी हम लोग का निकलने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ से भी निकल रहे बाइक पर, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे और यहाँ से एकदम सीधा घर की ओर निकलेंगे अभी। और मौसी और कभी देखा हुआ यहाँ पे, वो सामने जो जा रहा है ये लोग यहाँ का ही है तमाहट का है। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एकदम मेला होके, तमाहट का जो रास्ता है उसी से हम लोग निकलेंगे। को करना पड़ेगा यहाँ पे खत्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइव। पुराना मेला का वहाँ से पूरा बारिश 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 गिर रहा है, हल्का 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 बारिश गिर रहा है, तो इसीलिए मैं नॉन स्टॉप पूरा चला के अभी सत्यपुर क्रॉस किया, बस गुस्सा का मिलने वाला है।